ये बात है 1978 की। कांग्रेस पार्टी दो हिस्सों में बट गई थी, कांग्रेस यू और इंदिरा गांधी जी की कांग्रेस आए। शरद पवार जी कांग्रेस यू में थे। उसी साल महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव हुए। कांग्रेस के दोनों गुटों ने अलग अलग चुनाव लड़ा। इस चुनाव में किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिला नहीं था। जनता पार्टी को सत्ता से दूर रखने के लिए कांग्रेस के दोनों गुटों ने साथ मिलकर सरकार बनाई और वसंत दादा पाटिल मुख्यमंत्री बन गए। शरद पवार जी के पास इंडस्ट्री और लेबर मिनिस्टर का पद दिया गया। तब के डिप्टी चीफ मिनिस्टर नासिकराव तिरुपुड़े जी के साथ पवार जी की बनी नहीं विवाद हुए और इसीलिए 18 जुलाई 1978 को 40 एमएलए के साथ शरद पवार सरकार से अलग हो गए। जनता पार्टी ने शरद पवार को अपना समर्थन दे दिया और मात्र 38 वर्ष की आयु में शरद पवार महाराष्ट्र के सबसे युवा मुख्यमंत्री बन गए। तो ये कहानी थी महाराष्ट्र के सबसे युवा मुख्यमंत्री की। ऐसी ही रोचक राजनीतिक कहानियों के लिए जरूर सब्सक्राइब करें राजतंत्र चैनल।